hi dear students i shivani agrawal welcome you all in my youtube channel the students club i hope you all would be doing well and would be learning a lot from my videos so dear students today i have taken some adjectives that will define some personalities some different personality traits in the same serial the very first word that i have chosen is extrovert एक्स्ट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी प्रवृत्ति बहिर्मुखी बहिर्मुखी मुखी अब आप कहेंगे कि बहिर्मुखी मुखी क्या होता है तो बहिर्मुखी उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति इजीली किसी भी व्यक्ति से बातचीत करना शुरू कर देता है किसी के साथ फ्रेंडली हो जाता है किसी के साथ बहुत ही चीयरफुली उसको आ, आ, उससे कम उसको कंफर्टेबल फील कराता है उससे बातें करता है तो चाहे वो आ, तो ऐसा व्यक्ति जो लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाता है लोगों से बहुत चीयरफुली बात कर लेता है चाहे वो नोन पर्सन हो या अनोन पर्सन हो इवन अनोन पर्सन से भी बहुत कंफर्टेबल जोन में जाकर बात करने लगता है उनको उनसे बहुत लिवली बातें करता है बहुत ही ज़्यादा चीयरफुली बातें करता है तो ऐसे व्यक्ति को एक्स्ट्रोवर्ड यानी कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति कहते हैं तो अगर आप आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड आपको आपको पहले से नहीं बहुत कम जानता है लेकिन वो आपको अप्रोच कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं ये कह कह सकते कह सकते हैं हैं या आप खुद को भी कि I think an extrovert person. तो माने बहिर्मुखी यानी कि जो व्यक्ति आसानी से फ्रेंडली हो जाते हैं चीयरफुली दूसरे लोगों को कंफर्टेबल फील कराते हैं वो होते हैं एक्स्ट्रोवर्ड नेक्स्ट वर्ड जो हमने लिया है वो है इंट्रोवर्ड इंट्रोवर्ट बिल्कुल जस्ट टोटली एंटोनिम है एक्सट्रोवर्ट का अपोजिट है एक्सट्रोवर्ट का और इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि आप जो है अंतर्मुखी प्रवृत्ति के हैं यानी आप भीड़ से अलग रहना पसंद करते हैं आपके आसपास बहुत भीड़ है आपके बहुत नोन पर्सन है लेकिन आपको क्या पसंद है कि आप अपने अपने में मगन रहते हैं अपनी बात किसी से ढंग से कह नहीं पाते हैं तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं यानी कि अपनी बात को अपने तक ही रखते हैं बहुत कम्फर्टेबल जोन में जाकर किसी से भी अपनी प्रॉब्लम्स अपनी जो अपने उनके मन में जल रहा होता है वो नहीं कह पाते हैं अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाते हैं और भीड़ से अलग रहना पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति को इंट्रोवर्ट पर्सन कहते हैं अगला वर्ड है बहुत ही अच्छा है चैरिस्मेटिक चैरिस्मेटिक का मतलब है चमत्कारिक और यहाँ पर चैरस्मेटिक का मतलब है जब हम इस किसी की पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं तो चैरस्मेटिक का मतलब हो जाता है कि चुंबकीय व्यक्तित्व का पर्सन और अब आप कहेंगे चुंबकीय व्यक्तित्व क्या होता है आपने देखा होगा लाखों की भीड़ है यानी कि बहुत ज़्यादा मास है बहुत ज़्यादा भीड़ है और उसमें से कोई एक पर्सन ऐसा है जो अलग से ही पहचाना जा रहा है जिसके फेस पर इतना ग्लो है इतना इतना श्... मतलब एक जैसे कहते हैं एक तेज है जो अपने आप में दूसरों की भी... इतनी भीड़ में अपने आप को एक अलग से रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा व्यक्ति जो आसानी से किसी के भी आकर्षण का केंद्र बन जा रहा है ऐसे व्यक्ति को कहेंगे चैरस्मेटिक पर्सनालिटी जैसे आवर डायरेक्टर सर इज हैविंग चैरस्मेटिक पर्सनालिटी तो ये चैरस्मेटिक जो है वो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि वन हु इज हैविंग मैग्नेटिक पर्सनालिटी ऐसी पर्सनालिटी जो आसानी से जिसके आकर्षण का केंद्र बन जाती है सबकी ऐसे पर्सन को चर एडोरेबल एडोरेबल का मतलब होता है पूजनीय अब आपके माइंड में आएगा पूजनीय क्या होता है क्योंकि कोई भगवान तो होता नहीं है और जनरली हम गॉड के साथ ही पूजनीय है लगाते हैं लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स अगर हाँ कोई एक ऐसा पर्सन है जो इम्पारशियल है जो सबके साथ इक्वल है इक्वल बेसिस पर ट्रीटमेंट करता है जो जिसके मन में प्रिज्यूडाइज नहीं है पूर्वाग्रह नहीं है और जो बहुत ही ज़्यादा फेयरली ट्रीट करता है सबको सबका काइंड हार्टेड है जनरस है उदार है हेल्पफुल है केयरिंग है उसको हम कह सकते हैं कि

ठीक है रेस्प्लान तो रेस्प्लान का मतलब है कि दैदीप्यमान अब आप कहेंगे दैदीप्यमान क्या होता है क्योंकि ये वर्ड आपके लिए बहुत ही नया है दैदीप्यमान उसको कहते हैं जिस व्यक्ति के फेस पर एक तेज होता है एक आभा होती है एक दर्प होता है अब दर्प क्या होता है दर्प का मतलब प्राइड एक डिग्निटी होती है एक एक अ -अ 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 अलग सा तेज होता है एक तो प्राउड होता है प्राउड माने तो गर्व होता है और प्राइड माने गर्व हो प्राइड का मतलब है कि एक आभा होनी एक तेज होना कि मैं ये काम कर सकता हूँ मुझ एक कॉन्फिडेंस वाला एक जब हम कॉन्फिडेंस एक देखिए ओवर कॉन्फिडेंस होता है एक कॉन्फिडेंस होता है तो कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपका नेगेटिव नहीं काउंट होता वो हमेशा पॉजिटिव काउंट होता है वैल ऑन द अदर हैंड अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस को करें तो वो नेगेटिवली काउंट होता है तो एक ऐसा पर्सन जिसके पास कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और उस कॉन्फिडेंस का तेज उसके फेस पर चमक रहा है उसका फेस ऐसा ऐसे तेज से चमक रहा है कि वो उसके फेस को देखकर आप उसके फेस पर इतनी पॉजिटिविटी है कितनी भी नेगेटिव सरकमस्टेंसेस क्यों ना हो उसके फेस पर हमेशा एक तेज रहता है एक पॉजिटिविटी रहती है ऐसे पर्सन को आप कह सकते हैं रेस्प्लैंडेंट पर्सन रेस्प्लेंडेंट पर्सन रेस्प्लैंडेंट पर्सन फिर हमने एक लास्ट लिया है एमाइबल एमाइबल का मतलब होता है फ्रेंडली यानी कि एमाइबल जो वर्ड है वो फ्रेंडली का ही अपोजिट है तो एमाइबल माने फ्रेंडली होता है मिलनसार होता है जो एक एग्जैक्ट उसका हिंदी मतलब अगर बोले तो मिलनसार अब मिलनसार में भी वही आ जाता है जो एक्स्ट्रो में आता है कि आसा, आसानी से आप समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ घुलने मिलने लगते हैं उसके साथ बातचीत करने लगते हैं जैसे मान लीजिए हम बस स्टैंड पर जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारे पास में जो हमारा फेलो ट्रेवलर ट्रेवलर बैठा हुआ है वो किसी प्रॉब्लम में है या वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो हम उससे पूछ लेंगे कि आपको कुछ परेशानी तो नहीं है या आप अनक कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या आप पहचान लेंगे कि उसको शायद पानी की जरूरत तो नहीं है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एमाइबल में आती हैं यानी कि जो ऐसा पर्सन है जो आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाता है लोगों को कंफर्टेबल फील कराता है ठीक वैसे ही जैसे एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन करता था तो वहाँ पर वो एमाइबल हो जाता है कि मिलनसार है बहुत ही मिलनसार है ठीक है तो ये आज की सारी जो हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स थी ये बहुत ही काम की हैं क्योंकि आप किसी भी अपने पर्सन को अपने किसी फ्रेंड को अपने किसी ऑफिसर को अपने किसी सीनियर को डिफाइन करने के लिए एक आपको फिर बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है आप एक एडजेक्टिव बोल देंगे कि वो एक्सट्रोवर्ट है वो चैरस्मेटिक है वो रेस्पलेंडेंट है या फिर वो एमाइबल है ठीक है तो ये आपका आप देख लीजिए बहुत ही अच्छा है आपको अच्छा लगा होगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आराम से मिलते रहें बाकी अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरीज हैं तो यू कैन कॉल मी यू कैन कॉन्टेक्ट मी यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर दैट इज़ नाइन तो सीखते रहिए आगे बढ़ते रहिए हैव ए वेरी नाइस टाइम कीप ऑन लर्निंग कीप ऑन इलिमिनेटिंग द सोसाइटी विद योर नॉलेज विद योर लर्निंग विद योर शेयरिंग ऑफ कंटेंट हैप्पी लर्निंग